दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुनाफ और आप देख रहे हो धनतेज हस्तकला केंद्र। आप सभी कला प्रेमियों का मेरी YouTube चैनल धनतेज हस्तकला में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चारपाई कई किस्मों की बनाई जाती है, लोहे की, लकड़े की, स्टील की वगैरह वगैरह। आज मैं आपको चारपाई की, लोहे की चारपाई के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दूंगा। बहुत से दोस्तों की कमेंट पढ़ने में आई कि आप चारपाई में क्या करते हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसको ध्यान रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चारपाई का स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन किया जाता है, चारपाई कैसे बनाई जाती है, उस पर फोकस करना है। कुछ क्रिएटिव डिजाइन आपको चारपाई में देखने को मिलेंगी, तो आपको ये देखकर कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप मेरे सामने देख रहे हो, ये लोहे की चारपाई है, लोहे के फ्रेम से बनी हुई बनाई हुई चारपाई है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है डबल पाइप से, यहाँ पे अंदर डोरी से बुनाई होगी और बाहर वाली पाइप फ्री रहेगी। आप देखिए, दोनों के बीच में 12 mm की गैप रखी गई है ताकि बुनाई में दिक्कत ना हो। आप देखिए दोस्तों, ये डबल फ्रेम की चारपाई है, जब चारपाई खड़ी हो तो ये अंदर वाली दूरी की सेफ्टी रहेगी, जिस दूरी से बुनाई होगी दूरी की सेफ्टी रहेगी। और दोस्तों, आपसे मैं बता दूं आपको कि चारपाई की बुनाई में ये जो आप पैर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे माइक का इस्तेमाल किया जाता है, और उस माइक के बदले माइक में लोग दूरी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस चारपाई में दूरी की जरूरत नहीं है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें आपको दूरी की जरूरत नहीं है। आप देखिए, दूरी के बदले यहाँ पे दो प्राइम दो पाइप दी गई है। आप देखिए, ये पाइप माइका काम करेगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। आप देखिए, ये मूवेबल है दोस्तों, देखिए ठीक है। अगर हमारा ये वाला हिस्सा लूज होता है तो इसको आप ऐसे टाइट कर सकते हो, यहाँ से फोल्डिंग है ये, आप इसका इस्तेमाल ऐसे ऐसे हो सकता है। अगर लूज पड़ेगी तो यहाँ से ये टाइट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये फोल्डिंग है, यहाँ पे माइक के लिए दूरी की जरूरत नहीं है। और इसका बेनिफिट यह है कि ये कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। दूरी टेढ़ी हो सकती है माइक की दूरी, लेकिन ये पाइप टेढ़ी नहीं होगी, तो यहाँ से 90 डिग्री रहेगी, जैसे उधर भी रहती है। इस तरह से ये माइक के बदले यहाँ पे पाइप का इस्तेमाल किया गया है, और पाइप अगर लूज हो जाए तो यहाँ से ऐसे खींची जा सकती है। देखिए इस तरह से, आप जितनी लूज हो इतनी खींची जा सकती है दोस्तों, इसका ये बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, ये फोल्डिंग चारपाई है, आपको मैं प्रैक्टिकल पर बताऊँ। जिसके घर में जगह की दिक्कत है वो उन घरों के लिए ये बहुत अच्छी है। ये पाइप फोल्ड हो सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे स्प्रिंग लगाई जा सकती है, दो पाइप को जोड़ती हुई ये पाइप लगाई गई है। यहाँ पे भी डिजाइन बन जा सकती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको इस तरह से मोड़ के आप कहीं रख सकते हो। इससे क्या है, जगह की बचत हो सकती है। अगर जिनके घर में छोटे छोटे कमरे हैं या जगह की दिक्कत है, उनके लिए ये अति लाभदायी है ये प्रोडक्ट। इस तरह से बंद खुल जा सकती है और इस तरह से इसको बंद किया जा सकता है। यहाँ पे
स्प्रिंग लगेगी, जो भी नहीं लगाई है लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग आएगी। आपको खोल ऐसे खोल सकते हैं और ऐसे बंद कर सकते हैं। आपको मैं इधर ही बता दूँ, देखिए दोस्तों इस तरह से देखिए, ये पाया और ये पाया ब्रैकेट से लगा हुआ है और यहाँ पे भी दोनों पाया को जोड़ती हुई पाइप दी गई है। यहाँ पे भी लाइन आएगी दूरी की, देखिए दोस्तों इस तरह से ये खुल जाएगी। ये दोस्तों इसका बेनिफिट ये है कि ये जो इतनी मजबूत कर दी गई है कि इसमें जितना भी वजन होगा ये बर्दाश्त कर लेगी। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि नीचे सरफेस घिसे नहीं, इसलिए रबर लगाए गए हैं। अलग अलग साइज में रबर बाद में आपको मिल जाएंगे आपकी पसंद के हिसाब से और टैंक की पाइप की साइज के हिसाब से अलग अलग बाजार मिल सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। तो हर प्रकार की चारपाई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, लोहे की चारपाई, स्टेनलेस स्टील की चारपाई, लकड़ी की चारपाई आप मेरे यूट्यूब के वीडियो में देख सकते हो। और दोस्तों इस चारपाई को चारपाई की जो फ्रेम है उसको भी अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। आपको मैंने इस वीडियो में आज फोल्डिंग चारपाई बताई और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अलग डिजाइन की फ्रेम वाली चारपाई बताऊँगा। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, आई लव इंडिया।